कांग्रेस ने भी माना है कि अगर जो देश को संभाल सकता है तो बहन कुमारी मायावती का वो बार बार नाम ले रहे हैं, और विपक्ष जितने भी दल हैं या वो सब एक हो रहे हैं, मायावती को एक सर्वप्रिय मान रहे हैं। मैंने तो सुना नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो कम से कम उनकी सोच में ये तो आया कि कांग्रेस से हटके कोई व्यक्ति दूसरा बन सकता है, और जब लोग जीत के आएंगे तो उस समय की विचारधारा के ऊपर अपने निर्णय लेंगे और प्रधानमंत्री उस व्यक्ति को बनाएंगे। लेकिन ऐसा ना हो कि आज मायावती का नाम लिया जा रहा है और बाद में कोई दूसरा आदमी पीछे से आकर के चुन के अगर आ जाए, ये विश्वासघात 70 साल होता रहा है। इसलिए निर्णय जो भी हो वो ईमानदारी के साथ में होना चाहिए। इस तरह की बातों से समाज के गरीब गुरबा लोग, जो बहुजन के लोग हैं, जो गरीब हैं, जो संविधान में विश्वास रखते हैं, उनको ठगने का प्रयत्न न करें कोई भी दल हो। हमारा तो ये है, इसीलिए हम इस बात को बड़े स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि शरद यादव वो व्यक्तित्व है जो व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है। उस व्यक्ति के साथ में आप खड़े हुई, अगर शरद यादव ये बात स्वीकार करेंगे, मैं समझता हूँ वो ईमानदारी के साथ स्वीकार करेंगे और उसके लिए आखिरी तक कटिबद्ध रहेंगे, ये मेरी मानसिक सोच है। लेकिन सर, अभी कैराना के अंदर जो चुनाव हुआ है और मशीनों के अंदर इतने बड़े पैमाने पर मतलब कहा कि हैंग हुई हैं, और हैंग होने के बावजूद लोग कह रहे हैं कि पुनः चुनाव होना चाहिए वहाँ पर। देखिए, ये हैंग होने के पीछे कारण है कि इसमें कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर को डिस्टर्ब किया गया है, और वो ज़्यादा गर्मी के कारण वो सॉफ्टवेयर जो बीजेपी के समर्थन में होता है वो कहीं डिस्टर्ब हो गया होगा, और डिस्टर्ब होने की वजह से इसीलिए ये जो शब्द है ना कि ये बीमारी, एक जो कहते हैं गर्मियों में बीमारी लग जाती है, तो ये भी एक मशीन को जो गर्मी के टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं करी और उनके सॉफ्टवेयर को डिस्टर्ब कर गया। इसलिए आप कोई भी नाम दे दीजिए, लेकिन इस तरह की लू अब बीजेपी को लगना ज़रूरी है। और ये आने वाले समय में आप देखते जाइए, ये जो मशीनों में हेर फेर करने का जो प्रयत्न किया जा रहा है, अगर ये हेर फेर सत्ता बदलने के बाद और हमारे कहीं संज्ञान में आ गई, हम ईमानदारी से बता रहे हैं, इसके साथ में हम वही क्रिमिनल ऑफेंस की तरह से केस रजिस्टर्ड कराएंगे। आप ये भूल जाइए, कल अगर सत्ता हमारे लोकतांत्रिक जनता दल की सोच की आती है, बहुजन की सोच की आती है, अम्बेडकर ज्योतिबा फुले लोहिया की सोच की अगर आती है, हम इस देश में संविधान को ईमानदारी से लागू भी कराएंगे, और उससे छेड़छाड़ करने वाला कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उसको हम उसके उचित स्थान पर पहुंचाने के लिए सरकार को संवैधानिक तरीके से बाध्य करेंगे कि वो उनको उस तरह का दंडित करे। लेकिन सर, कराना चुनाव चल रहा है और 9 किलोमीटर की जो रोड है उसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं, और वो अपने हर एक भाषण के अंदर चुनावी भाषण देते हैं। देखिए, मैं तो आपको बता रहा हूँ, आपके पास पता नहीं कैसे नहीं लोगों ने सोचा, अंतर्राष्ट्रीय प्रधानमंत्री है, उसे फुर्सत ही इतनी मिल पाई थी। आपको नहीं पता है कि वो 600 करोड़ लोगों से, संसार के 600 करोड़ लोगों से चुना हुआ व्यक्ति है, वो भारत के 135 करोड़ के लिए इतना टाइम निकाल लाया नरेंद्र मोदी, यही क्या कम है? उसे जाना था फिर भाई विदेश, और उसका बताइए कहीं दूसरे राष्ट्र में जाकर के जहां का वो प्रधानमंत्री चुन के आया, हमें भारतीय प्रधानमंत्री चाहिए? ऐसे झूठ बोलने वाले धूर्त मानसिकता के लोग जो पूरे समाज के गरीबों को ठग रहे हैं, संविधान का गलत तरीके से आंकलन कर रहे हैं, और कहते कुछ हैं, सबको पुचकारते हैं, संसद में कहते हैं कि हम अनुसूचित जाति के लोगों को संरक्षण देने के लिए कठोर से कठोर नियम ला रहे हैं, और उन्हीं का एक न्यायपालिका में जाते हैं और न्यायपालिका में जाकर के उसको क्वेश करवा देते हैं, उसे खंड न्यूट्रलाइज करवा देते हैं। इस मानसिकता के लोगों से आप विश्वास करते हो 70 वर्ष बहुत हो गया। कैसी बातें कर रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि आप दलितों के घर में जाओ, उनके यहाँ खाना खाओ, उनके साथ बैठो, उनके साथ विचार विमर्श करो। अब ऐसा है, दलित ये कहता है कि मेरे साथ नहीं आओ, मेरे घर पर आकर के रोटी नहीं, अपने घर बुला करके मुझे रोटी खवाओ, मैं आपके चौके चूल्हे को देखना चाहता हूँ कि आप किस तरह का खाते हो। अरे, गरीब तो पत्तल पे और हाथ पे रख के रोटी खाता है, उसकी मानसिकता को तुम क्या पढ़ना चाहते हो, बेवकूफ बनाते हो? अब उन दलितों को जिनके घर में ये लोग खाना खाने जाते हैं, उन्हें चाहिए कि वो कहें कि हमने बहुत अपने घर के चूके चौले तुम्हें दिखा दिए, अब अपने घर का दिखाओ, और हम आपके घर खाना खाने आना चाहते हैं, बताइए प्रधानमंत्री कब आ जाएं? बेवकूफ़ नहीं बनाइए, जनता बहुत बेवकूफ़ बन ली है, 70 साल से यही सब होता रहा है कि गरीबों के घर जाइए, गरीबों को छोटे छोटे लालच दीजिए। और आपके एक तो मोदी जी का भाई, वो क्या नाम है उसका, वो अपने चला जाता है विदेश, और उसको फिर बाद में कहते हैं वो छोटा मोदी बड़ा मोदी मत कहो,
अरे छोटा मोदी बड़ा मोदी मत कहिए, लेकिन आप जुमलेबाजी फेंकते रहिए। 1500 करोड़ वो आपके 15 लाख रुपए पर हर एक के घर में आ जाएंगे, आप उसे जुमला कह दीजिए। गरीबों का शोषण मत करिए, दलितों को मत मारिए, मुझे मारिए। आप जितनी सुरक्षा के बीच में रहते हैं, आपको तो परिंदा भी पर नहीं मारता है। अगर आप वहाँ से सबको छोड़ के आ जाइए सड़क पर, और कपड़े भी नोच के लोग बाग ले जाएंगे, और नंगे जा रहे हो, कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि मोदी किसका नाम है। अगर मारने की बात करते हो तो आइए बगैर सुरक्षा के मैदान में। लेकिन सर वो तो मैदान वाली बात है, जब नोटबंदी हुई थी तो मोदी जी ने अपनी माँ को भी लाइन में लगा दिया था कि मैं आम लोगों की माँ है। देखिए मैं एक बात बता दूँ, मैं डॉक्टर हूँ और मैं आपको बता दूँ ये जेनेटिक इफेक्ट होता है। मोदी भी फोटो खिंचाने का बहुत शौक रखते हैं, उनकी माँ मेरे लिए भी आदरणीय और माँ के समान है, लेकिन मैं बताऊँ उन माता जी में ये गुण होगा कि वो भी फोटो खिंचाना चाहती होंगी, इसलिए वो लाइन में आगे अपने फोटो खिंचाने आई थी। इसमें कोई बुरी बात क्या है? नाम जिसका बेटा अरे प्रधानमंत्री हो गया, वो क्या लाइन में खड़ी होकर के अपना फोटो भी नहीं खिंचवा सकती? इससे कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार मिलता है। ये माँ के और पुत्र के बीच में जेनेटिक गुण है। मोदी को फोटो खिंचाना बहुत अच्छा लगता है, वो इस तरह के फोटो उन्होंने माँ, क्योंकि ये गुण कहीं से तो आया होगा। तो वो कहते हैं ना, अपने यहाँ तो एक कहावत है कि माँ पे पूत पिता पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। तो माँ भी अगर फोटो खिंचाने आ गई, और वैसे वो आदरणीय है, मैं उन माँ के लिए कोई नहीं, मेरी माँ और उनकी माँ में कोई फ़र्क नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर मोदी जी की माँ मुझे मिल जाए तो सबसे मैंने चरण वंदन करके मैं अपनी माँ की तरह उनको आदर दूंगा। उसके बाद ये है कि हास्य व्यंग अपनी जगह चलता है, लेकिन मैं मोदी जी निवेदन करूँगा थोड़ा सा इतिहास भी पढ़ लिया करो। जब आप भाषण देने जाते हो थोड़ी सी तैयारी भी कर लिया करो। बड़ा गलत लगता है जब आप कहते हो 600 करोड़ यूएन में आप कह के आए, 600 करोड़ लोगों ने चुना है, जबकि आपको देश की आबादी 125 करोड़ है, ये तुम भी जानते हो। दूसरे आपने कहा कि 150 साल हम यूएन में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मना चुके हैं। मैं उस मीटिंग में था, लेकिन मैं चुप इसलिए रहा क्योंकि आपके साथ में बैठे हुए मैंने जो मंत्री तक हैं, केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने भी नहीं टोका आपको कि साहब अभी तो 127 भी हम मना रहे हैं, 150 की बात कहाँ कर रहे हो। दूसरे मैंने कहा इसी तरह से आप अपने कहाँ जा रहे थे, मैं थोड़ा सा मेरा ध्यान भट गया, कि आप जब जाते हो तो थोड़ा सा पेपर वर्क करके आपको जाना चाहिए। दो एक जगह और भी आपने रक्षा मंत्री की बात हुई कि किस तरह से करियप्पा साहब का और किस तरह से मथैया कब रहे हैं यहाँ के, और कौन यहाँ का बलवंत सिंह वगैरह जो है कृष्णा मेनन है, ये सब थोड़ा सा इतिहास को पढ़ लो, तभी लोग बाग पूछते हैं आपसे कि आप ग्रेजुएट हैं भी या नहीं हैं। दुर्भाग्य इस बात का नहीं है कि आप अनपढ़ हों, अनपढ़ भी कामराज बहुत कम पढ़े लिखे थे, लेकिन कामराज ने योजनाएँ तक बनाई थी, कम पढ़े लिखे होते हुए भी वो विद्वान थे। हमारे देश का राष्ट्रपति जो ज्ञानी जैल सिंह, उनको भी कम पढ़ा लिखा बताते हैं, लेकिन उनकी एक सोच के सामने उस समय का तत्कालीन प्रधानमंत्री हिल गया था। ये पढ़े लिखे होना न होना बात अलग है, लेकिन आदमी को गुणवान होना चाहिए। और आप इतने भी, अरे आप प्रधानमंत्री भारत के हैं, आप डॉक्टरों को जाकर के कहते हो डॉक्टर कमीशन खाते हैं। चलो मैं ये मान लेता हूँ कि आपके कोई औलाद नहीं है, लेकिन अगर कोई आपकी औलाद या रिश्ते में कोई डॉक्टर अगर हो और वो कहीं डॉक्टरी कर रहा हो और उससे आप कह दीजिए कि ये कमीशन खोर है, अरे आपको शर्म आनी चाहिए। आप चाय पिलाने की आप बात करते थे कि मैं चाय बेचता था, अरे चाय बेचना कोई बुरी बात नहीं है, चाय तो अच्छे अच्छे लोग बाग हैं जो सम्मान के साथ में, मेहनत करना कोई बुरी बात नहीं है, मेहनत और मजदूरी करके आपने अगर चाय बेची है तो कोई बुरा थोड़ी किया। हम तो स्वागत करते हैं, और मैं पहले भी स्वागत आपका इस बात के लिए करता था, चलो एक मजदूर घराने का बच्चा, लेकिन विश्वासघाती मत बनिए, आप झूठ बोलने वाले मत बनिए, तभी आपको कहा जाता है कि आपकी एजुकेशन नहीं है। और दुर्भाग्य ये है इस समय आपकी सरकार में कम पढ़े लिखे लोग होने की वजह से देश की एजुकेशन व्यवस्था तो आपने सत्यानाश कर दी है, इसलिए कम से कम मंत्रियों का चयन, आपके यहाँ बहुत अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, कम से कम मंत्रियों का चयन ऐसा तो करिए जिन्हें क्वालिफाइड हों, जो अनुभव रखते हों। क्या गौतम साहब, ये लोगों की कमी नहीं है, आप लोगों की कमी नहीं है, जो चाय बनाने वाला आदमी है उसके हाथ में झूठा कप पकड़ाना चाहिए, आपने पूरा देश ही पकड़ा दिया। नहीं नहीं, ये बात हुई आपको कह के नहीं है, चाय बनाकर बेचना और उसके बाद काम करना, इससे तो मैं तो कहता हूँ अटल बिहारी वाजपेयी से ये अच्छा है, कम से कम ये मेहनत मजदूरी करके तो बना प्रधानमंत्री। अटल बिहारी वाजपेयी ने तो कभी कुछ भी नहीं किया, तो पढ़े थे बस, पंडित के बेटे थे और वो बन गए थे प्रधानमंत्री, तो ऐसा कोई वो थोड़ी है। अब हमारे मनमोहन सिंह जी सिर्फ कॉलेजों में पढ़ते रहे, हार्वर्ड वगैरह यूनिवर्सिटियों में पढ़े, उसके बाद अपने प्रधानमंत्री बने, तो ये किसी के काम और उसको लेकर के वो नहीं है कि चाय बनाने वाला नहीं बन सकता। लेकिन हाँ, कल को अगर मैं कहीं बन जाता हूँ, मेरे फादर अगर जूते का काम करते थे, उन्होंने क्या जूते गांठने वाले के बेटे को तुमने वो बना दिया, अरे मैं डॉक्टर हूँ,
ऐसा नहीं अनुभव और हम उस पर नहीं जाते हैं, लेकिन काम ऐसे करिए जो राष्ट्र की गरिमा को बनाते हों। आप भारत के संविधान को उसको यूज़ करते हैं जो डॉक्टर अंबेडकर विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहा जाता है, और आप उसी को मजाक के पात्र बना करके डॉक्टरों की अवहेलना कर रहे हैं। आप इतिहास को इससे की अवहेलना, खुद नॉलेज नहीं है, दूसरों को आप प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। तो या तो पढ़ाई करो या अपने साथ में बैठे हुए, मेरे को अच्छी तरह याद है बीपी सिंह जी जब कभी भी किसी भी केंद्रीय उसमें जाते थे और बड़ी सभा को संबोधित, मैंने देखा है कि वो एक छोटी सी डायरी रखते थे और वो कहते थे भाई आज की बर्निंग प्रॉब्लम क्या है, हमें किस चीज़ पर बोलना चाहिए, ये सब कुछ। तो आपको भी होमवर्क करके चलना चाहिए, और आपके आसपास में बैठे हुए जो मंत्री हैं कम से कम उन लोगों को इतनी तो आज़ादी दो, इतना तो यार डर मत पैदा करो। तुमने तो पूरे देश को डरा रखा है दोनों लोगों ने, अमित शाह और आपने, कि अगर कोई भी कहीं भी जवान खोलेगा उसका या तो जमीन मतलब जहाँ से उठ जाएगा या फिर सब चीज़ों के ऊपर उसे परेशानी आने लगेगी, और न्यायपालिका और ये सब चीज़ें उसको मूक दर्शक की तरह अगर देखती हैं, तो देश का दुर्भाग्य है कि आज आपके समय में, बल्कि हम तो ये उम्मीद करते थे कि अब शंभूक का बेटा आया है। शंभूक उस ऋषि का नाम है जो राम के समय में था, और जहाँ तक है मुझे किसी व्यक्ति ने बताया था कि उनका वो तेली समाज से थे शंभूक ऋषि, और इसलिए उन्होंने तपस्या की थी और उनको फांसी पर शूद्र कह के उनका वध कर दिया था राम ने। तो हम तो ये सोच रहे थे कि चलो आज राम के ही सहयोग से, राम के विचार के सहयोग से शंभूक का ग्रैंडसन अगर आज प्रधानमंत्री बनाए तो वो जरूर देश का कहीं ना कहीं उद्धार करेगा, न्यायपालिका को एक अच्छे लोगों को देगा। न्यायपालिका में आपने देखा कि जो आपके वकील रहे हैं, आप लोगों के केस के लड़ने वाले, चाहे अडवाणी जी के रहे हों, चाहे आपके रहे हों, चाहे अमित शाह के रहे हों, इन सब वकीलों को आपने सुप्रीम कोर्ट में जजेस बना करके आज न्यायपालिका का सत्यानाश कर रखा है। आज न्यायपालिका में अनुसूचित जाति का कहीं कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, माइनॉरिटी का कोई नहीं है, ओबीसी का कोई नहीं है। इन सब चीज़ लोगों को अगर आप प्रतिनिधित्व नहीं देंगे, जहाँ रिजर्वेशन नहीं है वहाँ पर ईमानदारी के साथ में उनको शेयर नहीं देंगे, तो क्या आप सोचते हो कि आरक्षण का आंदोलन आप चला करके लोगों को डरा दोगे? अब आरक्षण का आंदोलन नहीं चलेगा, अब आपसे हिसाब मांगने का आंदोलन चलेगा कि आपने अभी तक जो कमाई खाई है उसका हिसाब दीजिए। देश की अब नौजवान, किसान, मजदूर, गरीब, हर आदमी पीड़ित है। आपने किसान के साथ विश्वासघात किया, आपने नौजवान के साथ विश्वासघात किया है, आपने दलितों के साथ विश्वासघात किया है, आपने आदिवासियों के साथ विश्वास किया है, सबको अपने घर से निकाल करके बर्बाद करके रख दिया है। सिर्फ आपने चंद उन लोगों को जो पूंजीपति हैं, कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जाति के नाम पर अहंकार रखते हैं, गुंडे और बदमाश लोग हैं, उनको आप प्रश्रय और संरक्षण दे रहे हो, ये आपके लिए नहीं राष्ट्र के लिए घातक है। आपकी तो ज़िंदगी कितनी होगी, 10-20 साल और जी लोगे, प्रधानमंत्री थोड़ी ज़िंदगी भर बने रहोगे। बाद में याद रखिए, बुरे कर्म का और बुरे तरीके से कोई भी विश्वासघात का तरीका बहुत गलत होता है। वो कहते हैं ना कि दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो, और जिस जिसने भी दगा किए हैं उनके जाके घर देखो। ये वक्त ना आए कि कोई आपको देख के कहे कि अरे ये वो प्रधानमंत्री का घर है जिसने देश को बर्बाद कर दिया था, आज ये चेहरा दिखाने के काबिल नहीं है। मैं ये चाहता हूँ मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री रहते हुए इतने गौरवान्वित होइए कि मैं वो प्रधानमंत्री हूँ जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ संविधान को का प्रतिनिधि हूँ, और मैं उसे बचाने के लिए मैं भारत की आन वान शान परंपराएं और इस संविधान को बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दूंगा। बुरा नहीं मानना, जिन शिक्षाओं को आप दे रहे हो वहाँ से विभीषण ही पैदा होंगे, जिस तरीके को अपना रहे हो वहाँ से गुरु द्रोणाचार्य ही होंगे जो या तो एकलव्य का अंगूठा काटेंगे या शंभूक का वध करेंगे। ये दोनों चीज़ें अब ये समाज जाग गया है, अब इसे टॉलरेट नहीं करेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।